तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हो टेक्नो। और तो आज के इस इंटरेस्टिंग सी वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप घर बैठे मिनी स्क्रू ड्राइवर कैसे बना सकते हो मात्र 5 रुपये में। दोस्तों 5 रुपये का एक घरों में तो ये फ्री में बन जाएगा, मतलब एक ऐसा कंपोनेंट है जो कि ज़्यादातर घरों में हमें मिलता ही, पढ़ाई वाले बच्चे के पास जो स्टडी करते हैं उनके पास होता है, उससे हम स्क्रू ड्राइवर बनाएंगे। दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, तो इसे पूरा देखिएगा। और दोस्तों वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि बिल्कुल ही आसान कंपोनेंट है, जिसका नाम आप जिसको आप प्रकार बोलते हो या फिर आप कंपास भी बोलते हो। दोस्तों हमें ये चाहिए होगा, तो दोस्तों इसके लिए इसे आप आसानी से 5 रुपये में 6 रुपये में जो स्टेशनरी की शॉप है वहाँ से परचेज कर सकते हो। नहीं तो इस दोस्तों घर में सबके अवेलेबल होता ही है। दोस्तों आप इसकी जगह ख़राब कंपास का भी यूज कर सकते हो। तो दोस्तों बस ध्यान इतना रहे उस कंपास के जो आगे की नोक होती है ये रहनी चाहिए। तो दोस्तों बस उतना उसी चीज़ का हमें काम है और इसका काम नहीं है, पीछे की जो बॉडी होती है तो उस वो अगर आपके पास टूटी हुई है तो भी आपका काम चलेगा। तो दोस्तों चलिए मैं अब आपको बताता हूँ कि इसको मतलब कैसे हम इसको मतलब स्क्रू ड्राइवर में कन्वर्ट करेंगे। दोस्तों सबसे पहले तो आप एक मतलब एक पत्थर ले लीजिएगा और एक हथौड़ी या फिर आपके पास पहले तो इसको मतलब एक बार रब कर लीजिएगा, जो इसके ऊपर जो ब्लैक वगैरह कुछ लगा हो तो आपका वो साफ़ हो जाए, जिससे कि हमारे मतलब समझ आए कि मतलब इसकी नोक हमें दिखाई देने लगे। दोस्तों उसके बाद आपको एक पत्थर ले लेना है जिससे हमें इसको आगे से ठोकना है। जी दोस्त ध्यान रखिए, ये मतलब ये आगे का सिर्फ आगे का पार्ट ही ठोकना है दोस्तों, ज़्यादा नहीं ठोकना क्योंकि ये ज़्यादा पतला हो जाता है तो ये टूट जाता है। तो हमें हल्का हल्का ठोकना है, प्यार प्यार से ठोकना है इसको थोड़ा मतलब, और आगे से इसको थोड़ा चपटा कर लेना है, थोड़ा को हम इससे फैला लेना है इसकी नोक को। और उसके बाद हमको दोस्तों इस पर ठोक ठोक के इसको एकदम आगे से पतला कर लेना है। तो आगे से मतलब ये कुछ इस तरह का हो जाएगा। तो ठोकने के बाद दोस्तों अब हमें इसको करना क्या, इसको घिस लेना है जल्दी जल्दी, मतलब इसको घिस देना जिससे कि ये जो इस पर जो दाग वाग मतलब थोड़े जो ये दिखाई नहीं दे रहा ये थोड़ा सही हो जाएगा। और इसको आगे से घिस लेंगे जिससे कि हमारा स्क्रू ड्राइवर का शेप ले ले और कोई भी नट वगैरह को आसानी से ईजिली ओपन कर दे या खोल दें। दोस्तों इसको आगे से आपको घिस देना है। दोस्तों छोटी सी वीडियो आप इसे पूरा देखिएगा ताकि आपको सारी नॉलेज मिले। और दोस्तों ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको और आगे भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलते रहे। दोस्तों इसको घिस लेना आपको अच्छे तरीके से, और घिसने के बाद दोस्तों आपको मतलब एकदम इसको स्क्रू ड्राइवर की शेप दे देनी आगे से। तो दोस्तों इससे जो मोबाइल वगैरह के छोटे नट होते हैं उससे हम आसानी से खोल लेंगे। और दोस्तों इसकी मैं अब आपको एक टेस्टिंग करके दिखा लेता हूँ। दोस्तों आप समझ गए होंगे इसे कैसे बनाना, फिर भी अगर डाउट हो तो कमेंट कर देना। अब मैं इसकी एक छोटी सी टेस्टिंग करके दिखाता हूँ आपको, एक नट खोल के दिखा देता हूँ जिससे कि आप समझ जाओ। दोस्तों ये मेरे पास पंप है, वाटर पंप, तो इसके नट काफ़ी छोटे होते हैं लेकिन मैं इसको खोल के आपको दिखा देता हूँ।